आज मैं ये बात बताना चाह रही हूँ। आज जो ये प्रदर्शन हुआ, हम सब गरीब महिलाएं, क्योंकि आज जो ये प्रदर्शन हुआ तो ये नोटबंदी का कारण है। आज से पहले जो शादियां ब्याह हुए तो नोटबंदी लगाने के बावजूद मोदी जी ने इतना बुरा वो करा कि इंसानों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले, कोई मर रहा है, कोई परेशान हो रहा है इस कारण। और दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आज उस टाइम इतने बुरे हालात होते थे कि 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा राशि नहीं निकलती थी, और शादी के लिए इतनी सी राशि कम नहीं होती, इतनी राशियों के लिए लोग भटकते थे, परेशान होते थे। क्यों? कि किसी के तो बच्ची की शादी है, दहेजों की डिमांड रहती है, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ रहती है, 10 हज़ार रुपये में क्या करेगा एक आम आदमी। नोटबंदी से इतना परेशान हुए। आपका परिचय? मेरा नाम ललिता तंवर है। वार्ड 38 का पार्षद। जो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जो है इस धोलाबाटा क्षेत्र में अधिकांश जो लोग निवास करते हैं वो मजदूर वर्ग से हैं, गरीब तबके से हैं, और नोटबंदी के दौरान आप लोगों ने देखा कि जो है किस तरह की प्रॉब्लम इनको हुई। ये लोग वो हैं जो प्रतिदिन अपना खाना कमाते हैं और अपने घर का जो है पालन पोषण करते हैं, लेकिन नोटबंदी के दौरान ना तो ये काम पर जा पाए, ना ही जो इनके द्वारा अर्जित आय जो ATM में बंद थी वो अर्जित कर पाए, वो ही ले नहीं पाए। पूरे दिन दिन भर इन लोगों ने जो है अपना समय उसमें ख़राब किया। कई ऐसे बुज़ुर्ग लोग जिनके बच्चे जो है इधर उधर कमाने जा रहे थे, उनको उनकी जगह पर आकर जो है ATM से जो है पैसे निकालने के आना पड़ा, जिसमें आप लोगों ने देखा कई लोग बीमार हुए। गर्मी का मौसम था, कई लोगों को कई तरह से तबीयत खराब हुई, और कुछ लोग जो है अकाल मृत्यु का कारण भी बने उनके लिए। इसके अलावा जो है आज हम लोगों ने इस एक्टिविटी को करके वापस ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से नोटबंदी के दौरान जो है इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐसी सरकार जो गरीब तबके के लोगों का जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती, ऐसी सरकार को वापस लाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जो है अब सरकार को बदलने की जो है कवायद की जाए, और जो है नए लोगों को लाया जाए, कांग्रेस सरकार को वापस लाया जाए जिसको जो है शासन करना भी आता है, और जो है झूठ और इस तरह की बातें नहीं करके जो है लोगों को भरगलाती नहीं है। लोगों को भी फायदा हुआ नोटबंदी से? सर, लोगों को आप ही बताएं, देखिए कि किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ नोटबंदी से। इन लोगों ने कहा था कि जो है काला धन वापस आएगा, मोदी जी से अब काले धन के बारे में जानकारी ली जाती है तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। नोटबंदी से ये हुआ था कि जो है आतंकवाद को जो है कम होगा, तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा है कि कुरी और पूरी पुलवामा अटैक जो हुआ वो जो है किस तरह का रहा, 40 लोग बेवजह जो है मारे गए, और जो है आतंकवाद में अभी तक कोई कमी नहीं आई। हम लोग रोज़ देखते हैं कि जो है बॉर्डर पर या इधर उधर जो है रोज़ हमारे लोग जो हैं शहीद हो रहे हैं, हमारे सैनिक जो है शहीद हो रहे हैं। उसके अलावा शहीदों की शहादत करने की जगह है मोदी जो है उनके नाम पर जो है वोट मांग रहे हैं। जी, रोज़गार पर तो फ़र्क पड़ा ही सर, क्योंकि जो है लोग जो है यहाँ प्रतिदिन जो अपने कमाने के लिए जाते हैं वो अपने काम पर ही नहीं जा पाए। यहाँ पर तो ऐसा है, जिस दिन आप जाओगे उसकी तनख्वाह उसी दिन मिलती है, अगर आप नहीं जा पाए तो उसकी एब्सेंट लगती है और उसको उस दिन का कोई पैसा नहीं मिलता है। तो जो है दोनों तरह से जो है इन लोगों को नुकसान हुआ, अपने काम पर भी नहीं जा पाए, अपने लोगों का जो है भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि अर्निंग बाद में ख़त्म हो गई। मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि सर इस बार जो है हम लोग अपनी सरकार को बदल के रहेंगे। ये झूठे लोगों की सरकार है और इन लोगों ने अभी तक सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं किया। नोटबंदी का जो है इन्होंने जो है बहाना बनाया। हम लोगों ने भी उस समय तो ये सोचा था कि इन्होंने अच्छा किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला, और हम लोगों ने जब बताया इन लोगों की जो है उसके बारे में हम पूछने लगे तो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे लोग।